स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए गुड न्यूज है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पिछले 2 हफ्तों से इंक्रीज होते जा रहा है और करंटली इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू चुकी है इतनी। फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है और इसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन रुपये पर भी पड़ा है। इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में घट गई है। अगली खबर निकल कर आ रही है अमेजॉन से और अमेजॉन इंडिया में 29 दिसंबर से अपनी फूड डिलीवरी के बिजनेस को बंद करने वाला है। हाल ही में अमेजॉन ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ दिया था और अब अमेजॉन अपने इस बिजनेस सेगमेंट को भी बंद करने वाला है क्योंकि इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है और इंडिया में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हो चुकी हैं जो इस मार्केट में आ चुकी हैं, तो अमेजॉन के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अदानी एंटरप्राइज आने वाले टाइम पीरियड में 20,000 करोड़ रेस करने वाला है मार्केट से, वो भी FPO के थ्रू। हाल ही में अदानी ग्रुप ने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर ये कॉमन बात है कि अदानी एंटरप्राइज का कुछ प्लान होगा और अगर आपको जानना है कि आखिर अदानी एंटरप्राइज इन 20,000 करोड़ का क्या करने वाला है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदानी ग्रुप NDTV में मेजोरिटी स्टेक को परचेज करने वाला है और अगर आपने NDTV के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो NDTV के शेयर्स में अपर सर्किट लगते जा रहे हैं और अगर आप लोगों ने NDTV के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो आज मार्केट में 5% के अपर सर्किट लगकर NDTV में ट्रेडिंग बंद हुई है। अब देखना यहाँ पर यह है कि अदानी ग्रुप की इस डील के क्लोज होते होते NDTV को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है और इसके इन्वेस्टर्स कितने ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ICICI सिक्योरिटीज की एक एडवाइस है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिंदल स्टेनलेस में, जिंदल स्टील में, SMEL में और APL अपोलो में। ये सारी वो कंपनीज है जिन्होंने करंटली अपने Q2 के रिजल्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इसके फ्यूचर फॉरकास्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सभी कंपनीज को रडार में रखिए और इन सभी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। कोइन डिजिटल मीडिया के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 1517% के रिटर्न दिए हैं। ये एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 666 करोड़ का और हाल ही में इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 125 करोड़ के बोनस शेयर को अनाउंस किया है। लेकिन इस बोनस का रेशियो क्या होने वाला है और बोनस की डेट क्या होने वाली है ये अभी तक मार्केट में पता नहीं चला है और जैसे ही पता चलेगा मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। जोमैटो पर खाना ऑर्डर करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि जोमैटो अब अवेलेबल है 8 languages में। आप जोमैटो में लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं वो भी 8 अलग अलग भाषाओं में। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जोमैटो के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जोमैटो के शेयर्स की प्राइस कुछ ही टाइम पीरियड के लिए गिरेगी और उसके बाद इंक्रीज होने वाली है क्योंकि जोमैटो ने अपने पूरे डाइवर्सिफिकेशन का प्लान बना लिया है और इसके साथ साथ जोमैटो के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बायबैक को अप्रूवल दिया है और इस बायबैक की जो वैल्यू है वो 98 करोड़ की होने वाली है और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक शेयर के लिए ऑफर करने वाले हैं 200 rupees पर शेयर। लेकिन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बायबैक की डेट क्या होने वाली है ये अभी तक पता नहीं चला है और जैसे ही पता चलता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने नायका के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो नायका के शेयर्स में एक ही दिन में 11% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन है नायका का पिंक फ्राइडे सेल। कंपनी के मुताबिक पिंक फ्राइडे की सेल की वजह से कंपनी के जो विजिटर हैं वो 37% से इंक्रीज हुए हैं और इस चीज का इम्पैक्ट इसके रेवेन्यू पर पड़ा है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस 11% से ग्रो कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको आज के इस वीडियो का कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।